हरियाणा सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लोडेड कंटेंट के साथ 8.20 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इससे छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे कक्षा में व बाहर तथा घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां स्कूल शिक्षा विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने टैब के वितरण की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि छात्रों को इन टैब के माध्यम से उन्नत शिक्षा मिलेगी और वे कक्षा में व बाहर तथा घर पर भी पढ़ाई करने में सक्षम होंगे। यह टैब प्रीलोडेड ई कंटेंट से लैस होंगे। इसमें अवसर ऐप, ऑनलाइन सामग्री, पीडीएफ पुस्तकें, क्यूआर कोडेड एनसीईआरटी सामग्री, एजुसेट वीडियो, दीक्षा ऑनलाइन सामग्री, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए यूट्यूब वीडियो, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए प्रश्न बैंक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और राष्ट्रीय शिक्षक परीक्षा एनईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित सामग्री शामिल है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।